नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को जिला सोनीपत के मुरथल में दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विद्यार्थी विधिक साक्षरता मिशन के 9वें वार्षिक समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित दीनदयाल उपाध्याय कन्वेंशन सेंटर, 17 इको फ्रेंडली क्लासरूम तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व लिफ्ट का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम एक मल्टीपर्पज कार्यक्रम ऐसा मैं कहूंगा। पहले आते ही आज जिस सभागार में हम बैठे हैं, जिस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, इसका उद्घाटन आज ही हुआ है और ये दीनदयाल उपाध्याय कन्वेंशन सेंटर का एक पार्ट है। इसके साथ दो सेमिनार हॉल उनका भी उद्घाटन हुआ है। सेमिनार कम ग्रुप डिस्कशन का अलग से बड़ा रूम है। 17 बड़े क्लासरूम तो एक प्रकार के डिक्रस्ट यूनिवर्सिटी का एक विस्तार, जिस पर लगभग 42 करोड़ रुपए का खर्च आया है और आज उसमें यह पहला कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के कुलपति और बाकी सभी आचार्य और प्रबंधकगण, उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्य कार्यक्रम हमारा, क्योंकि विद्यार्थियों को किस प्रकार से लीगल शिक्षा ये दी जाए, तो इसके लिए हादसा का जो कार्यक्रम चलता है, बहुत ही, मैं कई बार से पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागी हुआ हूं, बहुत एक अच्छे प्रकल्प के रूप में एक नागरिकों को लीगल शिक्षा का किस प्रकार ज्ञान बढ़ाना चाहिए, इसका जो कार्यक्रम चल रहा है, हलसा इसके लिए बधाई का पात्र है। और हलसा के लिए एक और मैं अभिनंदन की बात कहूंगा कि पूरे देश भर में इस प्रकार से लीगल अथॉरिटीज बनी हुई हैं, हरियाणा की लीगल अथॉरिटी इसमें नंबर 1 पर है। इसलिए मैं खास करके हमारे साथ जुड़े हुए जो हलसा के पदाधिकारी हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम लोग बात करते हैं स्कूल के विद्यार्थियों की लीगल शिक्षा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है, लेकिन जहां तक लीगल एजुकेशन की बात है, कई बार ऐसा लगता है कि ये अधिकार प्रेरित ज्यादा है। राइट्स को हम लोगों को बताते हैं कि बच्चों के राइट्स क्या होने चाहिए, महिलाओं के राइट्स क्या होने चाहिए, मानवाधिकार क्या होने चाहिए, दिव्यांगों के राइट्स क्या होने चाहिए, तो इस प्रकार के राइट्स की बात हम करते हैं। इसमें बाल विवाह के बारे में भी क्या है, या दहेज के बारे में क्या है, रैगिंग बच्चों की होती है तो उसमें उनके राइट्स क्या है, कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं। राइट्स अच्छी बात है, लोगों को अपने अधिकारों का पता लगना चाहिए, लेकिन मैं इसमें पहले भी एक दो बार कहा, अंतर में निवेदन कर रहा हूं कि राइट्स के साथ साथ हमें कुछ कर्तव्यों की शिक्षा भी देनी चाहिए, अधिकारों के साथ कर्तव्य की शिक्षा। और मैं शिक्षा का अगर एक शब्द में ऐसे मन में बैठे बैठे शब्द आया, उस शब्द को मैं कहूंगा लेमन एजुकेशन। अभी लेमन एजुकेशन क्या होगी, लेमन LE फॉर लीगल, लीगल एजुकेशन, एंड दैट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ राइट्स इन द सिटीजन और इन द सोसाइटी। लेकिन जो बाकी MON है, ये राइट्स नहीं, ये कर्तव्यों का पालन कराएगी। MO से मॉरल एजुकेशन की बहुत जरूरत है। अगर मॉरल एजुकेशन देंगे तो निश्चित रूप से विवाद कम होंगे समाज में, लोगों के झगड़े घटेंगे, या अलग बात है उसके कारण से लिटिगेशन कम होगा तो कहीं ऐसा खतरा नहीं होना चाहिए हम लोगों को कि अभी कोर्ट्स का काम कम हो जाएगा। काम कम हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर मॉरल एजुकेशन देते हैं तो समाज के अंदर एक स्थायित्व आएगा, एक शांति आएगी, एक संतुलन बैठेगा मॉरल एजुकेशन। और मॉरल एजुकेशन के साथ लेमन का लास्ट लेटर स्टैंड फॉर नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर हमने राष्ट्रवाद की शिक्षा नहीं दी तो जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे बलिदानियों ने सैकड़ों वर्ष लगाए, हजार वर्ष की भी व्यक्ति की जा सकती है, इस देश की आजादी जब ली है तो इसके पीछे एक राष्ट्रवाद का भाव, राष्ट्रीयता की भावना, ये आम नागरिक में अगर नहीं होगी तो विवाद कई तरह के खड़े होंगे।
अगर ये नेशनल करेक्टर की या नेशनलिज्म की एजुकेशन हमें देश की आजादी को आते ही देने शुरू कर दी होती तो ये जो 370 हटाने में हमको 68 साल लग गए ये नहीं लग गए। देश की जनता का भाव जब तक राष्ट्रवाद का नहीं आएगा, राष्ट्रीयता मन में नहीं आएगी, तो फिर आप केंद्र होकर के एक छोटी सोच के साथ मनुष्य जिएगा कि मुझे अपना भला करना है। सोशल इंस्टिंक्ट जब तक लोगों में नहीं आएगी तब तक समाज का सह अस्तित्व बड़ा खतरे में है। इसलिए हमें पूरे देश के समाज को इकट्ठे रहना है। तो इस लेवल एजुकेशन के माध्यम से अधिकारों की शिक्षा देनी है, ऐसा नहीं कि नहीं देनी है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को या किसी समूह को कोई एक्सप्लॉइट करता है, उसका शोषण करता रहे। उसका शोषण या एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। गरीब को, कमजोर को उसकी लीगल शिक्षा के कारण से वो अपने आप को मुख्यधारा में ला सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, वह अधिकारों को ले सकता है।